हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्टूडेंट डेली करंट अफेयर के साथ साथ इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके और स्टेट इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का क्विक रिविजन भी कराया जाता है। बिल्कुल कम से कम समय में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले करेंगे कल की क्लास का क्विक रिवीजन। रेड लाइट ऑन गाड़ी और पहल शुरू की गई दिल्ली सरकार द्वारा। किस राज्य के हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीश की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है? गुजरात हाईकोर्ट। किस आईआईटी की टीम ने प्रोटेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक नए लक्ष्य की पहचान की है? आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख बनी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? फातिमा बानो। हाल ही में किसने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। स्टूडेंट अगर आप में से कोई नया है तो आप लोग कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है। यहाँ सिर्फ मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। आगे डिस्कस करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के किस सार्वजनिक ऋणदाता बैंक पर 1 करोड़ रुपए के मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो किसके ऊपर लगाया गया है? भारतीय स्टेट बैंक SBI के ऊपर। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया अमेरिका की नासा एजेंसी। चलिए देखते हैं आज की क्लास का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने मिलकर एक नया क्वाड बनाया है? तो ये किसके साथ मिलाया गया है? ये बनाया गया है इजराइल के साथ। अब इसमें चार देश कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है और इजराइल है। अब इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक। किनकी? विदेश मंत्रियों की पहली बैठक। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। बैठक में आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इस बैठक का नाम क्या दिया गया है? नया क्वाड के रूप में इसे वर्णित किया जा रहा है। अब डिस्कस करेंगे क्वाड ग्रुप के बारे में। क्वाड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2007 में। कितने सदस्य देश हैं? 4, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा, हम लोग क्लास में कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं और आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि जो क्वाड में है वही इसमें भाग लेते हैं, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए एक और क्वाड का गठबंधन बनाया था। तो किसने बनाया था? ये अमेरिका ने बनाया था। इसमें भारत शामिल नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और अमेरिका है। अब इस ग्रुप का मकसद क्या था? तो अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता पर फोकस था। 24 सितंबर 2021 को क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अमेरिका में। और इसमें भाग किसने लिया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लासेस पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने दूर दराज के गाँव में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुँच प्रदान करने के लिए प्रशासन गाँव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट राजस्थान के बारे में। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजधानी जयपुर है। आगे देखते हैं,
ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है और पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है पाकिस्तान से। अब डिस्कस करेंगे राजस्थान से संबंधित लेटेस्ट जीके, यानी कि हाल ही में न्यूज में रहा राजस्थान। हाल ही में कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया जयपुर में। किस योजना के तहत लगाया गया था इसको? तो कुसुम योजना के तहत। कुसुम योजना कब शुरू हुई थी? फरवरी 2019 में। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो बांस के पौधे लगाना कहाँ पर? राजस्थान में। ऑपरेशन सरद हवा किसके द्वारा चलाया गया था? तो राजस्थान में BSF द्वारा चलाया गया था, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। कौन सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया है राजस्थान। देश का सबसे नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। अब जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में छापिए कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है। वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर स्थल है? सावर झील और केवला देव राष्ट्रीय पार्क। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो ये चुना गया है सहदेव यादव को। पिक में आप इनको देख सकते हैं। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ IMP फैक्ट। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के पूर्व महासचिव, पहले ये क्या थे? महासचिव थे। सहदेव यादव को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। अब महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और अब इसके नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आनंदे गौड़ा। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज 4 एग्जाम में। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा किससे है? वेट लिफ्टिंग से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता था रजत पदक। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से छापिए कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने लालन स्मरण उत्सव आयोजन किया? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। अब ये उत्सव क्या है, एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश में महान सूफी संत लालन फकीर की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बांग्लादेश शिल्प कला अकादमी द्वारा लालन स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। किसकी पुण्यतिथि थी? तो ये थे एक सूफी संत लालन फकीर, इन्हें लालन फकीर के नाम से जाना जाता था। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के सूफी संत है। अब डिस्कस करेंगे बांग्लादेश से संबंधित लेटेस्ट जीके, यानी कि हाल ही में न्यूज में रहा बांग्लादेश। भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो सबसे अधिक लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। बंगबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में कितने नए सदस्य शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। ब्रिटिश कंपनी हाउस ऑफ फ्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो ये था बांग्लादेश। आगे डिस्कस करते हैं, हाल ही में किन दो देशों के बीच हल्दीबाड़ी और चिलाघाटी रेल मार्ग शुरू किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। मिताली और बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को। टोक्यो ओलंपिक का लॉरेन पुरस्कार किसे दिया गया? मोहम्मद यूनिस को। ये कहाँ के हैं? ये है बांग्लादेश के। जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया? तो ये किया गया बांग्लादेश द्वारा।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश विश्व में आठवां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में छापिए कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। ये है मैप में बांग्लादेश, ग्रीन कलर से आप लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय परियोजना ने पहला अर्थ सौर पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जीता है ताकाचल इनोवेशन ने। अब ये क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है मैंने सारे यहाँ पे कवर किए हुए हैं। इस पुरस्कार को कौन देता है? तो इस पुरस्कार को देता है रॉयल फाउंडेशन। शुरुआत कब हुई थी इस पुरस्कार की? 2021 में ही हुई है। रॉयल फाउंडेशन किस देश का है? तो ये है इंग्लैंड का। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ताकाचल इनोवेशन को। एक साल में ये 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने सारी जानकारी यहाँ कवर की हुई है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। ये जो ताकाचल इनोवेशन है ये किसका है? तो ये दिल्ली के एक उद्यमी है विद्युत मोहन, इनका है। नाम याद रखिएगा, इन्हीं को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। किस लिए दिया गया है? तो ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया, जिससे क्या हुआ कि 98% धुआं में कमी आई, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आइए डिस्कस करते हैं कुछ प्रमुख तथ्य इसके बारे में। बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में चाय और कॉफी की खेती को प्रोत्साहित करना और स्थानीय किसानों को और प्रसंस्करण गतिविधियों में शामिल लोगों को अधिक लाभ प्रदान करना। मेन क्या है इसका मकसद? तो लाभ प्रदान करना है, बस इतना याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो ये की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित लेटेस्ट जीके। किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9000 करोड़ रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। हाल ही में शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये बन गया है धमतरी, जो कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? धूती चंद को। अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। चर्चा में रही पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में माओवादियों को सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? लॉन बरातू। किस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया? तो ये हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। पंडवानी नृत्य कहाँ का है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? झंडूराम देवांगन, ऋतु वर्मा और तीजन भाई। तीजन भाई इम्पोर्टेंट है, याद भी हो गया होगा क्योंकि हम लोग कई बार क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से अलग होकर। भारतीय संघ का ये 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो ये लगाया गया रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। महानदी का उद्गम स्थल रायपुर छत्तीसगढ़ में सिहावा नामक पर्वत से निकलती है। छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का सोख किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महानदी को। बंगाल का सोख किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। और बिहार का सोख कहते हैं कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये जारी की गई है WHO द्वारा। अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। इस रिपोर्ट में टीबी की जानकारी होगी। 2020 में 15 लाख लोगों में टीबी मिली है। इसमें से 5 लाख लोग भारत में हैं। याद रखिएगा कितने? 5 लाख लोग। लेकिन भारत में 41% की गिरावट आई है। अब डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
टीवी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। अब जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो 194 है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से छापिए कि 194वां सदस्य देश कौन सा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। WHO के वर्तमान हेड कौन है? तो ये है डॉक्टर टेड्रोस। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के हेड कौन है? ये है मनसुख मांडविया। ये कौन है हमारे देश के, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइए। विश्व टीवी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो घड़ी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अब ये न्यूज में क्यों है, आइए देखते हैं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश में बनाए गए कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अब ये उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर वहां श्रीलंका के कोलंबो से आने वाला पहला विमान उतरा। तो याद रखिएगा पहला विमान कहां से उतरा, कहां का था? तो ये था श्रीलंका के कोलंबो का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये है इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश। अब डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित लेटेस्ट जीके, यानी कि हाल ही में न्यूज में रहा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की? तो कहां की गई? मेरठ में। निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो ये की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। और पीलीभीत नेशनल पार्क कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गोरखपुर में। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आजादी एट द रेट 75 न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये उत्तर प्रदेश में रखी गई। ये भी याद रखिएगा किसने रखी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? नोएडा में बन रहा है, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। कीतम झील जो रामसर साइट में है कहाँ स्थित है? तो ये है आगरा में। ई पंचायत पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। याद रखिएगा क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, तो याद रखिएगा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख नेशनल पार्क और अभयारण्य कौन कौन से हैं? दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी गई है सैफी किदवई द्वारा। अब डिस्कस करेंगे कुछ प्रमुख तत्व। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सैफी किदवई ने सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां का विश्लेषण करना है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से छापिए कि हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया।
अब डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में कुछ प्रमुख पुस्तकें। थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रघुराम राजन। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया जा रहा है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये किया जा रहा है इसराइल में। अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसमें भाग लेता है। 8 देशों की वायुसेना ने इसराइल में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया है। कितने देशों की? तो याद रखिएगा 8 देशों की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, ग्रीस की वायुसेना शामिल है। भारत इसमें शामिल है, ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास जो हाल ही में न्यूज में रही। नोमाडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। हैंड टू हैंड भारत और चीन के बीच होता है। अजय वॉरियर भारत इंग्लैंड के बीच होता है। काजिन 21 भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। संपीर्ति भारत बांग्लादेश के बीच होता है। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच होता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइए कि वायुसेना के प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है। चलिए अब कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उनके आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जयंत पाटिल को। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन गेम के आदि बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य में डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय द्वारा बीरेंद्र सिंह पठानिया को किसका अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अब जीके के क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तरंगें आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं? कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो इन सभी के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।